Hello viewers, welcome to this channel Life is Awesome. जैसा आप देख सकते हैं यह 28x28 ईस्ट फेस प्लान एक स्क्वायर लैंड है. इसमें जो है एक बेडरूम ओनली 1 BHK प्लान है. एक बेडरूम हॉल किचन अटैच्ड टॉयलेट बाथ यूटिलिटी और पार्किंग एरिया. इसमें जो कंसिस्ट करता है स्टेयरकेस के नीचे और एक टॉयलेट आ जाएगा टॉयलेट रूम और स्टेयरकेस का लैंडिंग के नीचे टॉयलेट रूम और सेप्टिक टैंक. आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स व्हाट्सअप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में आप इसका शेयर लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी. तो इसमें टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें स्टार्टिंग में जो है एंटर होते हैं आपको नज़र आ जाएगा जैसे यहाँ पे बेडरूम 11x9'3" लिखा होना वो थोड़ा गलत हुआ है. वो पार्किंग एरिया जिसका साइज 13x6 का है एंड स्टेयर्स में 13x6 में आपको 12 स्टेप्स फर्स्ट फ्लाइट में और 8 स्टेप्स जो है सेकेंड फ्लाइट में एंड लैंडिंग का साइज 3x6 है. और देखिए ये जो कंसीडर करता है एक हॉल जैसे एंटर हो गए पार्किंग एरिया से. पार्किंग एरिया में आप चाहे तो एक वेल या फिर एक बोरवेल लगा सकते हैं एट नॉर्थ ईस्ट कोने पे. हॉल का साइज 19x6x10 जैसा इसका हॉल का साइज जो है बहुत सफिशिएंट है. मैक्सिमम लोग इसमें बैठ सकते हैं. कोई प्रोग्राम रहेगा या फिर उनके घर में कोई बहुत लोगों का आना जाना कुछ ज़्यादा ही रहेगा तो उनके लिए सफिशिएंट रहेगा. नॉर्थ साइड 3 फीट ऑफसेट और साउथ साइड 3 फीट ऑफसेट. हॉल से हम एंटर होते हैं किचन. किचन का साइज 11x3x5x3 और इसी के अंदर एक यूटिलिटी डोर है. डोर दिया गया हूँ डोर से वहाँ से आप यूटिलिटी मतलब जहाँ पे भी आप अपना बर्तन मांगने के लिए जगह रहेगा सफिशियंट और वेंटिलेशन भी मिल जाएगा. ओके चलिए हम दोबारा वापस आते हैं हॉल. हॉल से एंटर होते हैं बेडरूम. बेडरूम का साइज़ जो है 11x9'3" एट साउथ वेस्ट कॉर्नर. सो आप अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट कर दीजिए. पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ फाइल भी और विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ. वो कॉमन टॉयलेट बाथ नहीं है अटैच्ड है. 8x6x3x6 हो गया. अगर आपको और एक एक्स्ट्रा टॉयलेट रूम चाहिए तो आप साउथ साइड यहाँ पे 3 फीट ओपन रखा होना वहाँ पे और एक टॉयलेट रूम भी बना सकते हैं. जैसा हॉल के डोर से एंटर होके बाहर एंटर होके यहाँ पे भी जा सकते हैं आप. चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन डायग्राम. सो सेंटर लाइन डायग्राम में देखिए कॉलम टू कॉलम का सेंटर लाइन बता रहा हूँ मैं. जैसे भी मार्कआउट करते हो तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा. जैसा ये है आपका कॉलम्स. सो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं यहाँ से आउटर फेस ऑफ द कॉलम टू द आउटर फेस ऑफ द कंपाउंड वॉल टू द इनर फेस. सो 4 feet 1.5 inch एंड सेंटर ऑफ दिस कॉलम टू द सेंटर ऑफ दिस कॉलम 9 feet 7 inch. सेंटर टू सेंटर 10 feet 2 inch. सेम उसी तरह से जो है ये सेंटर से लेके आउटर फेस ऑफ द कंपाउंड वॉल एट द नॉर्थ साइड 4 1.5 inch. तो पूरा कंप्लीट ऐड करने के बाद एग्जैक्ट आपको आना चाहिए 28 फीट. अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं.
चलिए हम बात करते हैं इधर एट साउथ साइड। साउथ साइड में जो है ना आउटर फेस ऑफ दिस कॉलम टू द मिडल, सो 6 feet 10.5 inch सेंटर टू द सेंटर ऑफ दिस कॉलम 10 feet 9 inch और इधर सेंटर से लेके यहाँ तक 10 feet 4.5 inch। सेम इसी तरह एट वेस्ट साइड देखिए ये थोड़ा वैल्यू चेंजेस है, जैसा देख सकते हैं आप आउटर फेस ऑफ द कंपाउंड वॉल टू दिस इन बिटवीन जो है 12 feet 4.5 inch सेंटर टू द सेंटर 12 feet 1.5 inch एंड सेंटर ऑफ दिस कॉलम टू द आउटर फेस ऑफ दिस कंपाउंड वॉल 3 feet 7 inch। तो इस तरह से जो है सेंटर लाइन डायग्राम बन जाएगा आपका। एट अभी हम बात करते हैं एट साउथ नॉर्थ साइड। सो आउटर फेस ऑफ द कॉलम टू द इन बिटवीन 10 feet 4.5 inch इन बिटवीन ऑफ दिस कॉलम इज 10 feet 9 inch इन बिटवीन टू द आउटर फेस ऑफ द कंपाउंड इज 6 feet 10.5 inch। सो इस तरह से बनाया हूँ मैं। तो देखिए ये है डिटेल जानकारी। अभी हम बात करते हैं इसका कॉस्ट कितना खर्चे में आ जाएगा। इसका कॉस्ट आपको 10 लाख तक पड़ जाएगा अराउंड, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। ओके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख और डिटेल जानकारी तो दिया हूँ मैं, विंडो पोजीशन भी है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर ऑन व्हाट्सएप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। और PDF फाइल चाहे तो आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मैं सेंड कर दूँगा वक्त मिलते ही। हैव अ ग्रेट डे और कल आपको मिल जाएगा 13 to 55 वाला प्लान। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।